और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज चंडीगढ़ स्थित आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार किसान से लेकर कोरोना तक हर मोर्चे पर विफल रही है। ना सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान कर पाई है और ना ही कोरोना को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठा पाई है। हुड्डा ने कहा कि सरकार किसानों को परेशान करना बंद करे। आज मंडियों में गेहूं की खरीद से लेकर उठान और किसानों को भुगतान करने तक में देरी हो रही है। सरकार को चाहिए कि वो हवा हवाई दावों को छोड़कर जमीनी हकीकत को पहचाने और व्यवस्था में सुधार करे। उन्होंने कहा कि मंडी से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक हर जगह किसान सरकार की अनदेखी झेल रहे हैं। 4.5 महीने से देश का किसान अपनी जायज मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। वहीं दूसरी तरफ अपनी गेहूं बेचने के लिए किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी खरीदारी नहीं कर रही। हुड्डा ने कहा कि ना सरकार की तरफ से बारदाना की व्यवस्था की जा रही है और ना ही उठान में तेजी लाई जा रही है। अब तक महज 22% फसल का ही उठान हो पाया है, इसीलिए किसानों को गेहूं डालने के लिए मंडी में जगह नहीं मिल पा रही है। सरकार ने 48 घंटे के अंदर भुगतान का वादा किया था, लेकिन 360 घंटे 15 दिन के बाद भी किसानों को पेमेंट नहीं मिली है। गिने चुने किसानों को छोड़कर बाकी किसान पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। मास्क लगाओ तो मेरा मास्क दोबारा। देखिए बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बड़ी गंभीर समस्या हो गई है। इसमें सरकार को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, लेकिन अकेली सरकार नहीं लड़ सकती। हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। स्वयं व्यक्तिगत भी जो है आदमी को खुद का बचाव रखेंगे। खुद बचाव होगा तो परिवार बचेगा। पूरे पूरे परिवार संक्रमण हो रहा है पूरे पूरे परिवारों में, लेकिन खुद बचोगे तो परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो गांव बचेगा, शहर बचेगा, प्रदेश बचेगा। तो सबको एहतियात लेनी चाहिए, सबको मास्क पहनना चाहिए और दूरी बनाए रखना चाहिए और बार बार हाथ धोना चाहिए। जरूरत के हिसाब से दवाई लेनी चाहिए। प्रदेश में दवाई की कमी महसूस हो रही है, खासतौर पर वैक्सीनेशन की, तो उसकी सरकार को पूरी पूर्ति करनी चाहिए। सर, नाइट कर्फ्यू का फैसला कैसा है, क्या मानना है आपका कि लॉकडाउन भी लगाना पड़ सकता है भविष्य में, आप कैसे देखते हैं? अकेले नाइट कर्फ्यू से नहीं है, लेकिन अगर लॉकडाउन ना लगे और उससे पहले हम कोरोना से लड़े तो वो अच्छा रहेगा। बाकी जो उचित कदम है सरकार को उठाने की, फसलों की खरीद, बीमारी से लड़ाई का प्राथमिकता उनकी, फसलों की खरीद की जहाँ तक बात है, आपने मंडियों का दौरा किया, कैसे? देखिए, जो इनके वायदे थे वो खोखले निकले। मैं गया था कई मंडियों में, इनका पहले था 1 तारीख से हो जाएगा और मैं 7-8 दिन के बाद गया तो कोई पेवट भी नहीं हुई थी लोगों में। और पहले कह दिया गया अब मेरी फसल मेरा ब्यौरक में कि वो आपको मैसेज आएगा, लोग मैसेज के इंतजार देखे थे। और फिर बाद में कहा भाई ले आओ, वैसे ले आओ बगैर मैसेज के। अब वो लेके आए तो कहीं बारदाना नहीं है, कहीं उठान नहीं है, किसान परेशान है। कुल 22% जो है जो उठान हुआ है, जो कि कम है। एक जिस तरह से कांग्रेस के संगठन की जहाँ तक बात है, कब तक बन जाएगा, क्योंकि लगातार अखबारों में खबरें छपती हैं, टीवी में खबरें आती हैं। खबरें तो तुम ही छापते हो, बन जाएगा जब बता देंगे आपको। सर, जो धरने पर किसान बैठे हैं, कोरोना भी बढ़ रहा है, क्या आप केंद्र से आग्रह करना चाहेंगे कोई बातचीत हो, तो कोई समाधान? इसे लगातार कर रहे हैं, लगातार 4 महीने से कह रहे हैं भाई किसानों की मांग जायज है, उनसे बातचीत करके उनकी बात मानो, खुशी खुशी किसानों को घर भेजिए। थैंक यू सर। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।